हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं मैं समय हूँ का थर्ड और फाइनल पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। वह तो नहीं मिला, पर तुम्हारा यहाँ पर इस हालत में मौजूद होना यह बताता है कि तुम भी समय के लिए एक खतरा हो, वरना वह तुमको इस हाल में नहीं छोड़ता। बताओ कहाँ पर है समय, क्या कर रहा है वह इस ग्रह पर, और उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? एक मिनट, आराम से बोलो। अब तुम्हारे पास समय ही समय है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। पहले तुम मुझको समझाओ कि ये चक्कर क्या है, तुम कौन हो, वह क्या चाहता है और तुम क्या चाहते हो। मुझसे सवालों का जवाब चाहते हो तो पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं, फिर भी मैं तुमको पूरी बात संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। समय और मैं एक सुदूर ग्रह के प्राणी हैं, और हमारी शक्तियों से तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम आम विज्ञान के क्षेत्र में तुमसे लाखों गुना आगे हैं। समय, जिसका असली नाम लापना है, हमारे ग्रह का एक जुनूनी शोध करता है। समय के रहस्य का पता लगाना शुरू से ही उसका जुनून रहा है। उसको यह पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि समय का रहस्य ब्लैक होल में छुपा हुआ है। ब्लैक होल ऐसे मृत विशाल तारे से बनता है जो अपनी ऊर्जा खर्च करने के बाद सिकुड़ जाता है, और उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है जिसको प्रकाश की किरणें तक पार नहीं कर पाती। इसलिए वह तारा काला दिखता है और लोग इसे ब्लैक होल कहते हैं। इसके अंदर समय तक अपना अस्तित्व खो देता है। ब्लैक होल के अंदर समय शून्य हो जाता है, और इस रहस्य का फायदा लापना ने उठाया। उसने ब्लैक होल की शक्ति को टैप करने के लिए कुछ उपग्रह छोड़े जो अलग अलग कक्षाओं में एक सुरक्षित दूरी पर ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं, और ब्लैक होल की समय शक्ति को पकड़कर उसको सिग्नल के रूप में समय तक पहुंचाते हैं। इन सिग्नलों की शक्ति समय धाराओं के बहाव में व्यवधान पैदा करती है, और ये धाराएँ बहना बंद कर देती हैं। यह शक्ति पाकर लापना समय को रोकने लगा, और इस शक्ति के मद में चूर होकर उसने हमारे ग्रह पर अपना राज जमाना शुरू कर दिया। सिर्फ मुझ जैसे ही कुछ लोग उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा पाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह समय शक्ति और हमारे उन्नत विज्ञान का प्रयोग करके वहाँ के ग्रह को अपनी कक्षा से सरकाने लगा एक नए ब्रह्मांड की रचना करने के लिए। फिर तो सब कुछ जैसे उथल पुथल हो गया। एक दो आबाद ग्रह तारों में तो समाकर नष्ट भी हो गए। हमको वह मौका मिल ही गया जिसकी हमें तलाश थी। हमारा एक आदमी समय का विश्वास पात्र बनकर उसकी लैब तक पहुंच गया। उसने हमको समय यंत्र बनाने के डिज़ाइन भेजने शुरू कर दिए, पर पूरी डिज़ाइन मिलने से पहले ही वह पकड़ा गया। यह अधूरी डिज़ाइन से बने हुए यंत्र हैं जिनकी मदद से मैं समय धारा में तुम तक पहुंचा था, और इस यंत्र की ही मदद से उस वक्त लांपना तक पहुंचने में हमारी मदद की थी। वह समय को रोकने का काम करता था। समय बाकी सबके लिए रुक जाता था, पर लांपना के लिए नहीं। इसलिए जब वह समय को रोक लेता था तो असावधान हो जाता था। उसको सपने में भी आभास नहीं था कि समय धारा में उसके अलावा और कोई भी पहुंच सकता है। ऐसे ही रुके हुए समय में मैं उस तक पहुंचा और उसको बेहोश करके अपने ग्रह पर लेकर आया और कानून के हवाले कर दिया। हमारे ग्रह पर मृत्युदंड देना निषेध है, इसलिए लांपना को यह सज़ा मिली कि उसको भी उसके यंत्रों के साथ उसी ब्लैक होल में फेंक दिया जाएगा जिसकी शक्ति से उसने ब्रह्मांड को बदलने की कोशिश की थी। लांपना को ब्लैक होल के रास्ते पर भेज दिया गया, पर ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले एक उछल तारे उसके यान से आ टकराया। यान चूर चूर हो गया, पर उसके मलबे में हमको लांपना का पता कहीं नहीं मिला। उसकी तलाश में हमने समय धारा पर नज़र रखनी शुरू की, और एक रुकी समय धारा के पीछे मैं अपने यंत्र की मदद से बढ़ चला। रास्ते में मुझे तुम मिल गए, और आगे की कहानी तुम जानते ही हो, पर शायद तुम नहीं जानते। आगे की कहानी तुम मुझसे सुनो, क्योंकि उस शक्ति के कारण अब एक और ग्रह तबाह होने जा रहा है, पृथ्वी। ध्रुव इनुगार को पूरी स्थिति समझाता चला गया। ओह, यानी पुछल तारे की टक्कर से लांपना का यंत्र भी टूट गया होगा, और उसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर आ गिरा होगा जो तुम्हारे ग्रह के एक अपराधी के हाथ में लग गया है। तुमको समय धारा में छोड़कर लापना जरूर वहीं गया होगा, पर उसके लिए मुझे दोबारा समय धाराओं में जाना होगा और फिर वहीं से ही लापना का पता लगाना होगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया पृथ्वीवासी। इनुगार का शरीर समय धारा के जाल में समाने लगा, लेकिन समय खराब होने का समय तो पहले से ही आ चुका था।
कितना मज़ा आ रहा है, मैं एटम बम लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा हूँ और रोकने वाला कोई है ही नहीं, हा हा हा, कितना बोरिंग है, कोई चैलेंज ही नहीं। लेकिन अगर मैंने समय को रोककर बम को फोड़ दिया तो किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, पहले मैं समय को सामान्य रूप में लाता हूँ और फिर सुनो मगर हिलना मत, ये एक मिनी एटम बम है, ये फटा तो आधे किलोमीटर के क्षेत्र को समतल कर देगा, पर यह अचानक प्रकट कैसे हो गया, वह भी साथ में दो दो न्यूक्लियर बम लेकर, यह हमारी थ्री लेयर सिक्योरिटी को पार करके यहाँ तक कैसे आ गया, ओ गॉड ये तो रोबो है, टॉप मोस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बिन लादेन का भी बाप है, क्योंकि आज से सफ़ेद सफ़ेद व्हाइट हाउस मेरा घर होगा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का शासक बनकर दुनिया पर राज करेगा ग्रैंड मास्टर रोबो, और जो मेरा विरोध करने की कोशिश करेगा उसका हाल यह होगा। व्हाइट हाउस पर फिक्स कैमरे इस घटना को पूरी दुनिया पर लाइव पहुंचा रहे थे। हे भगवान, रोबो पागल हो गया है, वह एटम बम फोड़ने जा रहा है और ध्रुव आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्यों, हा हा हा, बटन दबाने के 2 सेकंड बाद बम फट जाएगा और उन 2 सेकंडों में मैं समय को रोककर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाऊंगा। इस धमाके से अमेरिका और पूरी दुनिया को रोबो का यह मैसेज मिल जाएगा कि रोबो को इस दुनिया का शासक मान लेने में ही सबकी भलाई है। अरे यह तो जानी पहचानी आवाज़ है, रोबो रुक जाओ, विनाश फैलाकर अपने विनाश को दावत मत दो, नताशा तुम यहाँ पर क्यों, ओ शिट बटन दब चुका है, 2 सेकंड के अंदर बम फट जाएगा, समय को तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि नताशा भी बम की रेंज में है, समय धारा के सामान्य होते ही ये भी मारी जाएगी, मैं उड़कर नताशा तक पहुंच नहीं सकता, बम को फटने से रोकना मुझको आता है, अब एक ही रास्ता है, मुझको अपना प्लान कुछ समय के लिए टालना होगा, इस बम को अपने साथ यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, जल्दी में लगते हो शायद, तुम्हारे पास समय नहीं है, इस रुके हुए समय में कौन मुझसे बात कर रहा है, वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास वाकई समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो समय है वह मेरा है, मैं समय हूँ, तुम अपने हाथ पर जो यंत्र पहने हो वो मुझे दे दो, वरना ये शब्द रोबो बोलता है, मैं तुमको वह मौका दे दूँ जो मुझे दुनिया का शहंशाह बना सकता है, कभी नहीं, तुम जो कोई भी हो, रोबो तुमसे नहीं डरता और ना ही तुम्हारी धमकी से, मैं इससे भी बुरा हाल कर सकता हूँ, तुमको ऐसी समय धारा में ले जाकर छोड़ सकता हूँ जहाँ पर तुम अनंत काल तक सिर्फ दर्द से तड़पते रहोगे, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, और रोबो ने उस पर लेजर आई से हमला किया, ओह लेज़र किरणें, यानी थोड़ा बहुत विज्ञान तुम पृथ्वी वाले भी जानते हो, पर ऐसी किरणों से हम अपने शरीर से को सेकते हैं और वार करने के लिए सूर्य जैसे तारे की ऊर्जा वाले थर्मल ब्लास्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर फिर भी दुश्मन काबू में ना आए तो मूर्ति किरणों जैसी घातक किरणों का भी प्रयोग करते हैं जो दुश्मन को एकदम मूर्ति जैसा जड़ कर देती है। अब मैं आराम से तुम्हारे हाथों से ये यंत्र उतारूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, शर्त लगाओगे, यह हाई फ्रिक्वेंसी सुपर लेदर सॉर्ड है, तुम्हारे जैसे ही दुश्मनों के लिए मैंने तैयार करवाई है, फटाक, आह इस तलवार ने तो मेरे यंत्र को नुकसान पहुंचाया, पर तुम मूर्ति किरणों के प्रयोग के बाद भी कैसे हिल रहे हो, शायद मेरी किरण ने काम नहीं किया, काम तो किया परंतु मेरा आधा शरीर मशीनी है और वह अभी भी हिल सकता है, क्योंकि तुम्हारी मूर्ति किरणें सिर्फ जीवित वस्तुओं को ही जड़ कर सकती है, ओ समझा, तूने मेरे समय यंत्र को नुकसान पहुंचाया, इस नुकसान को पूरा करने के लिए अब तुमसे यंत्र छीनना और भी ज़रूरी हो गया है, अब तुम्हारे जैसे मामूली प्राणी पर अपनी असली शक्ति प्रहार करना ही पड़ेगा। रोबो इस लड़ाई को लंबा खींचता जा रहा था और समय धारा में प्रवेश कर रहे इग्नूगार के लिए समय के पास पहुँचने की संभावनाएँ बढ़ती जा रही थी, ये तो जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, अरे अब किसका मैसेज आ रहा है, ओह कमांडो हेडक्वार्टर से कॉल है, यस करीम फटाफट बोलो, कैप्टन तुमने नताशा पर नज़र रखने के लिए कहा था ना, वह थोड़ी देर पहले एक सुपरसोनिक प्राइवेट जेट कॉप्टर से वाशिंगटन गई है, वाशिंगटन ही गई है, यह तुमको कैसे पता चला, हमने एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से यह कंफर्म किया, खबर पक्की है, ओह यानी रोबो भी वहीं पर ही होगा, वरना नताशा वहां कभी नहीं जाती, कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, पर समय रहते मैं वहां पहुंचूंगा कैसे, यह समय द्वार इसी से इनुगार समय धारा में गया है, यही एकमात्र रास्ता है रोबो तक पहुंचने का, पर समय धारा काफ़ी ख़तरनाक है, अगर मुझको इनुगार नहीं मिल पाया तो फिर मैं ना जाने किस स्थान और समय काल में पहुंचूंगा, लेकिन सोचने का समय नहीं है,
द्वार बंद हो रहा है, मुझको समय धारा में जाकर इग्नुगार को ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ रोबो तक पहुंचना होगा, पर उसको बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि इग्नुगार कहीं नज़र नहीं आ रहा। उफ, अब क्या करूं मैं, यही सवाल रोबो के सामने भी था। देख लो रोबो, चारों तरफ से मौत तुम्हारे को घेर रही है। मैंने अनंत काल समय के धाराओं से इन प्राणियों को बुलाया है, जब तक ये समय धारा से जुड़े हैं तब तक ये मेरे गुलाम हैं, और मेरे आदेश पर इनमें से हर एक तुमको पल भर में मसल कर रख सकता है। रोबो बुरी तरह से जकड़ा जा चुका था और अब उससे समय यंत्र के टुकड़े को हासिल करना मामूली सी बात थी। हा हा हा, अब मुझको समय की हर धारा पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। अब मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा जिसमें मेरी पूजा होगी। जूतों से धड़ाक, कौन? इग्नुगार, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुमको सजाए दिलाए बगैर नहीं। यह हमारी भूल थी कि हमने तुमको समय यंत्र के साथ एक ही यान में ब्लैक होल की तरफ भेजा, वरना हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब किसी को भी दिन रात जैसी उबाऊ चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस ब्रह्मांड को और इसके नियमों को ही बदल दूंगा, और ये शुरुआत तुमसे होगी। बच्चे, तू क्या समझता है कि इस बार तू अपनी नकल की मदद से मुझको मात दे देगा? तेरे यंत्र में इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरे सामने टिक सके। अब मैंने अपने समय यंत्र की पूरी शक्ति को हासिल कर लिया है। आह, इसकी शक्तिशाली समय यंत्र मेरे काम चलाऊ यंत्र की शक्ति को बेकार कर रहा है, और इस यंत्र के अलावा मेरे पास और कोई हथियार भी नहीं है। मेरी हरकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, मेरे लिए भी समय रुकता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी लापना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इग्नुगार के साथ साथ किसी और की भी हरकतें ठप होने वाली थी। ये लड़का यहाँ तक कैसे? ओ समझा, ये समय धारा में तुम्हारा पीछा करता हुआ आया होगा। बेचारा जरूर मुझको रोकने का ख्याल लेकर आया होगा, पर अब समय को रोकना असंभव है। समय को बनाने वाले, सुन, आज से तेरा राज खत्म होगा, अब लापना का राज शुरू होगा। लापना का हा हा हा, बेखबर लापना ये नहीं देख पाया कि उसने इग्नुगार के समय यंत्र को ले निकाल कर ध्रुव की छाती पर अचानक से जा टिका। लेकिन होनी से बलवान कुछ भी नहीं होता, समय भी नहीं। आखिरकार मैं इग्नुगार का पीछा करता करता यहाँ तक पहुँच ही गया, लेकिन इग्नुगार का यंत्र मेरे शरीर पर कैसे आ गया? शायद किस्मत ने समय को काबू में करने का काम मुझे ही दिया है। तुम्हारा राज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा लापना। अच्छा, तू मेरा नाम भी जान गया, यानी इग्नुगार ने तुझको काफ़ी कुछ बता दिया है, और तेरे शरीर की ऊर्जा से डुप्लीकेट समय यंत्र फिर से चालू हो गया। इससे तुझको रुकी समय धारा में चलने की शक्ति मिल गई, पर यह ज़्यादा देर तक तेरा साथ नहीं देगा। अब तेरा हाल भी रोबो और इग्नुगार जैसा ही होगा। तेरे लिए समय एक बार फिर रुक जाएगा, और साथ ही रुक जाएगी तेरी धड़कन। उससे पहले मैं तुम्हारी धड़कन को रोक दूंगा लापना। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लापना द्वारा समय रोक दिए जाने से पहले ही मुझको इस पर ताबड़तोड़ वार करके इसको काबू में कर लेना है। अरे यह क्या, ध्रुव का ध्यान किसी और चीज़ ने खींच लिया था, और फिलहाल इसको रोकना भी उतना ही जरूरी था जितना लापना को रोकना। यह तो किसी किस्म का बम लगता है, यह जरूर रोबो द्वारा यहाँ लाया गया एटम बम होगा। समय की गति सामान्य होते ही यह फट पड़ेगा और हजारों जाने जाएंगी। इसको तुरंत यहाँ से हटाना होगा। समय धारा में लुप्त होते ही एटम बम का खतरा तो दूर हो गया था, लेकिन इससे लापना को ध्रुव के लिए समय गति को कम करने का मौका मिल गया। उफ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए भी समय की गति कम होती जा रही है। मैं स्लो मोशन में वार कर रहा हूँ और लापना आराम से मेरे वारों को बचा रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, यह क्या है? लापना की टाइम मशीन पर यह निशान कैसे बना है? इसको देखकर लगता है कि ये सैटेलाइटों को कंट्रोल करने वाला पैनल है जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते हुए उसकी शक्ति को लापना तक भेज रहे हैं। अगर मैं इन कंट्रोलों को नष्ट कर दूं तो शायद लापना का संपर्क ब्लैक होल से टूट जाएगा और इसकी समय रोकने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। पर मेरी गति तो कम होती जा रही है। जितनी देर में मुझे 10 फीट की दूरी पार कर लेनी चाहिए, उतनी देर में मैं सिर्फ 1 फुट की दूरी पार कर पा रहा हूँ। ऐसे में कंट्रोलों तक भला कैसे पहुँच पाऊँगा? किसी भी तरह से मुझको अपनी गति बढ़ानी होगी, पर कैसे? यस, एक रास्ता है, एक आखिरी मौका है मेरे पास। लापना भौचक्का रह गया क्योंकि ध्रुव की गति एकाएक सामान्य हो चुकी थी। उफ, ये कैसे हो गया? ये क्या, मेरी मशीन खराब हो गई? तू इतनी तेजी से कैसे चल पा रहा है?
अपने स्केट्स की मदद से। इनकी मदद से मैं अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ाकर सामान्य स्तर पर ला सकता हूँ। अब तो मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, समय के रुकने की प्रक्रिया को और तेज करना होगा। अब ध्रुव की गति और समय की गति बीच में थी, मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना होगा, 10 से 20 गुना तेज करना होगा, तभी मैं लापना के कंट्रोल पैनल तक पहुंच पाऊंगा। रुक रहे समय को मात देते हुए ध्रुव का मुक्का आखिरी बार लापना के कंट्रोल पैनल से जा टकराया। यंत्र टूट गया और उसका असर भी तुरंत दिखने लगा। ओह, मेरे सैटेलाइट ब्लैक होल में गिर गए, लेकिन उनसे मेरा संपर्क टूट जाने के बजाय अब वो मुझको और शक्ति भेज रहे हैं, बेहिसाब शक्ति। लेकिन ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि वहीं एक ब्लैक होल का निर्माण होने लगा। ओह, ये क्या है, ये तो मुझको अपने अंदर खींच रहा है। मुझको अपना संपर्क सैटेलाइटों से तोड़ना होगा। आह, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे भी अपनी ओर खींच रही है। ऐसा ज़रूर इस समय यंत्र के कारण है। मुझको इस समय यंत्र को उतार कर इस ब्लैक होल में फेंकना होगा। सूट के ब्लैक होल में जाते ही ब्लैक होल का पृथ्वी से संपर्क हर तरह से टूट गया और एक चमकदार प्रकाश में सब कुछ ढकता चला गया। और फिर, अरे मैं यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? वह चमकदार प्रकाश समय बुलबुले के फूटने का धमाका था ध्रुव, और उसकी शक्ति ने हमको वहीं भेज दिया जहाँ से हम चले थे। इग्नुगार, हाँ, अब किसी भी पल मेरे साथी मुझको मेरी स्पेस शिप में टेलीपोर्ट कर लेंगे। पर जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ब्रह्मांड ये जाने ना जाने, पर मैं जानता हूँ कि अगर तुम ना होते तो ब्रह्मांड कभी ना बसता। मेरे और मेरे ग्रहवासियों की नज़रों में तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े हीरो हो। मौका मिला तो हम तुम्हारा ये एहसान ज़रूर उतार देंगे। विदा ध्रुव, विदा इग्नुगार। अरे, मैं तो जेट कॉप्टर से कूद गई थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैडम, रोबोलैंड से मैसेज आया है। ग्रैंड मास्टर तो रोबोलैंड में ही है, फिर हम वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस राजनगर चलो, रोबोलैंड में। पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया और मेरा समय यंत्र भी ना जाने कहाँ चला गया। ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा, पर यूरेनियम अभी भी मेरे पास है। मैं एक बार फिर दुनिया को हिलाऊँगा, ज़रूर हिलाऊँगा। और इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।